हेलो स्टूडेंट्स, एटमिक स्ट्रक्चर चैप्टर हमारा चल रहा है जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सोमरफेल्ड मॉडल। और सोमरफेल्ड मॉडल में आज हम इतने फाइव टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है शेप ऑफ ऑर्बिट। सोमरफेल्ड ने ऑर्बिट के शेप के बारे में इन्होंने क्या बताया, एंगुलर मोमेंटम के बारे में इन्होंने क्या बताया कुछ नया, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो इन्होंने बताया था एक नया, और सेल सबसेल ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट देखेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट हम फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे जो कि हमको सोमरफेल्ड ने अपने मॉडल में बताया था। ठीक है, सोमरफेल्ड का मॉडल कब आया, बोर के मॉडल के बाद। बोर ने जो अपना मॉडल दिया था उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे जिनके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था बोर से, जिसके बारे में बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो उनके ही एक्सप्लेनेशन, उनमें जो कमियां रह गई थी, जो ड्रॉबैक्स रह गए थे, उनको दूर करने के लिए सोमरफेल्ड ने अपना मॉडल दिया। अब सोमरफेल्ड ने बोर के मॉडल में क्या क्या चेंजेस किए हैं, उन सारे टॉपिक्स पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला फर्स्ट हम लेते हैं शेप ऑफ ऑर्बिट। अब हम बात करते हैं बोर की। बोर ने क्या बताया था अपने मॉडल में, बोर ने वहां पर बताया था, हालांकि हम बोर मॉडल पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, यहां पर हम थोड़ा बात करेंगे उसको कंपेयर करेंगे सोमरफेल्ड और बोर में। तो बोर ने क्या बताया था कि यदि हम ऑर्बिट के शेप की बात करें तो न्यूक्लियस होता है सेंटर में, एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं। इनको हम ऑर्बिट बोलते हैं या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, इनको ऑर्बिट बोला जाता है या फिर इनको हम बोलते हैं शेल। ठीक है, तो बोर ने क्या बताया कि ऑर्बिट न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट या शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। यानी कि न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट होता है उसका इन्होंने क्या शेप बताया कि ये क्या होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, तो इसमें सोमरफेल्ड ने पहला चेंजेस किया। इन्होंने क्या बताया सोमरफेल्ड ने कि ऑर्बिट जो होता है वो हमेशा सर्कुलर नहीं होता, ऑर्बिट सर्कुलर भी हो सकता है और इलिप्टिकल भी हो सकता है। इलिप्टिकल का मतलब इस तरीके का शेप, ठीक है ना, अंडे के शेप की हम बात करेंगे तो ये होगा इलिप्टिकल। तो सोमरफेल्ड ने पहला चेंजेस किया कि आपने बताया था कि ऑर्बिट जो होता है वो सर्कुलर होता है, जबकि ऑर्बिट सर्कुलर भी हो सकता है और इलिप्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, और यदि हमारा ऑर्बिट यानी कि शेल यदि इलिप्टिकल होता है तो इसमें हमको कुछ दो तीन बातें और नई देखने को मिलेंगी। जैसे यदि ऑर्बिट हमारा इलिप्टिकल है तो इसमें हमको दो ये एक्सेस मिलते हैं। अगर हम यहां से एक लाइन खींचते हैं और यहां से एक लाइन खींचते हैं तो इस तरीके से हमको दो ये एक्सेस मिल रहे हैं। एक लाइन तो हमको बड़ी मिलेगी जिसको हम बोलेंगे मेजर एक्सेस, और एक लाइन हमको छोटी मिलेगी जिसको हम बोलेंगे माइनर एक्सेस। तो हमको यहां पर दो लाइन मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस यहां पर मिलता है। ठीक है, मेजर एक्सेस को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे जिसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 और आगे भी 5, 6, 7 इस तरीके से हो सकती है, और माइनर एक्सेस जो होता है इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, यानी कि 0 के इक्वल ये कभी नहीं होगा। के की वैल्यू 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट होकर के और इस तरीके से हो सकता है आगे तक। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि मेजर एक्सिस और माइनस एक्सिस ये दो एक्सिस होता है, और ये जो मेजर एक्सिस होता है इस मेजर एक्सिस पर किसी भी फोकस पर, ठीक है, ये मेजर एक्सिस है, यहां 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 कहीं भी किसी भी फोकस पर इस पर न्यूक्लियस हो सकता है। यानी कि ये हमारा ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और इसमें मेजर एक्सिस पर किसी भी फोकस पर न्यूक्लियस हो सकता है। तो यहां अगर हम सपोज करते हैं कि हमारा न्यूक्लियस यहां है और यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, तो अगर हम न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के बीच का ये अगर हम एंगल बनाते हैं, यहां से लाइन अगर हम खींचते हैं, इन दोनों को मिलाते हैं, तो ये इनके इलेक्ट्रॉन और इस मेजर एक्सिस के बीच में यहां पर जो एंगल बनता है इस एंगल को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एंगल हमको इलेक्ट्रॉन के एंगुलर पोजिशन यानी कि एंगुलर मोमेंटम की हमको जानकारी देता है। ठीक है, ये इतनी बातें हमको बताया गया कि यदि शेप जो है वो इलिप्टिकल होगा तो हमको इतनी जानकारी और मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने क्या बताया कि माइनर एक्सिस को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। के एक यहां पर एक नया क्वांटम नंबर है।
ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके पहले बोर ने क्या बताया था हमको, एक वैल्यू दिया था जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको इन्होंने एन से रिप्रेजेंट किया, और इन्होंने बताया कि एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 डेजेस और भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि एन क्या बताता है हमको, नंबर ऑफ सेल, कि कितने सेल इस एटम में कितने सेल है। ठीक है ना, ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, न्यूक्लियस के बाहर हमको यहां पर ये एक सेल दिखाई दे रहा है, तो यहां पर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये होगा एन की वैल्यू 1। यहां पर हमको ये सेकंड वाला सेल है, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। यानी कि एन इसमें क्या है, नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट जो है वही क्या है यहां पर, वही एन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसका कॉन्सेप्ट हमको किसने दिया था, बोर ने दिया था। एक नया कॉन्सेप्ट कौन लेकर के आया, सोमरफेल्ड। सोमरफेल्ड ने एक नया क्वांटम नंबर हमको दिया जिसको हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको किसने दिया था, बोर ने दिया था, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सोमरफेल्ड ने के से एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया। ठीक है, तो ये एक हमको नया यहां पर क्वांटम नंबर मिलता है। ठीक है, अब देखिए के और एन, यहां पर अगर हम बात मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस की अगर हम बात करें, तो मेजर एक्सेस जो होता है, मेजर एक्सेस को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहां देखिए एन अपॉन के। ठीक है, मेजर एक्सेस क्या है हमारा एन, और माइनर एक्सेस क्या है के। यानी कि यदि हम मेजर एक्सेस अपॉन माइनर एक्सेस करते हैं, और दोनों का अगर हम देखते हैं लाइनिंग, देखिए अगर हमने मेजर एक्सेस की वैल्यू सपोज करिए हमने n इज इक्वल टू ले लिया 4, ठीक है ना, मेजर एक्सेस हमने ले लिया 4 और माइनर एक्सेस अगर हमने ले लिया 4, ठीक है ना, मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस, यानी कि दोनों लाइन की वैल्यू हमने क्या ले लिया है। एक एग्जाम्पल से आपको बस यहाँ पे बता रही हूँ कि किस तरीके से हमारा ये जो सर्कुलर और इलिप्टिकल ये जो चेंज होते हैं, ठीक है ना, कभी हमारा ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर है और कभी ऑर्बिट हमारा इलिप्टिकल है, कैसे वो सर्कुलर इलिप्टिकल होता है वो डिपेंड करता है मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस पर। ठीक है, मेजर एक्सेस यदि ये वाला लाइन अगर बड़ी हो जाए और ये वाली लाइन थोड़ी छोटी हो जाए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, और इक्वल हो जाएंगे तो उस दौरान पर हमारा जो ऑर्बिट होगा वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। उसी चीज को यहां बताया गया है कि यदि n और k की वैल्यू इक्वल हो, सपोज करिए हमने 4, 4 ले लिया, अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो ये क्या होगा, दोनों लाइन क्या होगी, मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। और इसको यदि हम यहां इसको अगर हम मैच कराते हैं तो हमको ये ऑर्बिट कैसा मिलता है, सर्कुलर। ठीक है, यहां हमने मेजर एक्सिस को क्या लिया, वही लिया 4, उतना ही बड़ा, लेकिन हमने माइनर एक्सिस को क्या ले लिया, छोटा। ठीक है ना, माइनर एक्सिस अब क्या हो गया यहां पर 3, यानी कि ये वाला लाइन, ठीक है ना, माइनर एक्सिस क्या होगा, माइनर एक्सिस यानी कि ये वाली लाइन थोड़ी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी थोड़ी छोटी। ठीक है, अब अगर हम इसको मिलाते हैं, मैच कराते हैं, तो हमको ये सर्कुलर की जहां पे कौन सा शेप मिल रहा है, इलिप्टिकल। ठीक है, अब अगर हमने इस लाइन को और छोटा कर दिया, ये तो हमारी उतनी ही है 4, और इस लाइन को हमने और छोटा कर दिया, तो ये और क्या हो जाएगी, और ज्यादा ये इलिप्टिकल हो जाएगी। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 4 रखा और यहाँ पे 1 रखा, तो ये क्या हो जाएगी, और ज्यादा ये इलिप्टिकल होती जा रही है। मैं आपको लाइन खींच करके इस तरीके से मिला के बता रही हूँ कि कैसे शेप चेंज होगा, सर्कुलर है, धीरे 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 दोनों लाइन में जितना डिफरेंसेस बढ़ता जाएगा उतना ही ये क्या होता जाएगा, ऑर्बिट इलिप्टिकल होता जाएगा। अब यहां पर यदि हमने 4 ले लिया और k की वैल्यू यहां पे कह रहा है कि k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो यदि हमने यहां पर k की वैल्यू 0 ले लिया तो क्या होगा, अगर हम k की वैल्यू 0 ले लेते हैं, इसका मतलब कि माइनर एक्सेस क्या हो जाएगा, बिल्कुल इतना है ना पॉइंट। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, यहां पर ये कुछ नहीं है, यानी कि k की वैल्यू क्या है, 0। अब ये है 4, ठीक है, k की वैल्यू 0 है, तो आप यहां पे क्या शेप बनाएंगे, ना तो सर्कुलर बनेगा ना तो इलिप्टिकल बनेगा, ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। और एटम कभी भी इस शेप में नहीं रहता है, एटम जो है सर्कुलर है या फिर इलिप्टिकल है। इस वजह से ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि k इज इक्वल टू 0, ये नहीं हो सकता, दिया नहीं गया है, मतलब जो कह रहा है कि k की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो ये बात यहां पर प्रूफ होता है कि k की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक है, तो यहां हमने देखा शेप ऑफ द ऑर्बिट। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा कि ऑर्बिट का शेप यहां पर किस तरीके से ऑर्बिट का शेप चेंज होगा, कब सर्कुलर होगा और कब इलिप्टिकल होगा। दूसरी बात, इन्होंने बोर ने हमको क्या बताया था, एक एंगुलर मोमेंटम की बात की थी बोर ने। यदि हम बोर के मॉडल में जाकर के देखते हैं, तो इन्होंने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या दिया था, कि यदि हमारा एटम जो है वो, इन्होंने तो यही बताया कि एटम सर्कुलर ही होता है, ठीक है ना, ऑर्बिट जो होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, तो यदि हमारा ऑर्बिट सर्कुलर है तो उस समय एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू इन्होंने क्या दिया था कि mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। यानी कि इलेक्ट्रॉन का mvr, एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो nh अपॉन 2π के मल्टीपल इंटीग्रल होता है। ये बात हमको किसने बताया था, बोर ने बताया था। अब वहां पे आप बोर के मॉडल में देखेंगे मल्टीपल इंटीग्रल का बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है, वहां समझिएगा। यहां पर मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब क्या बताया था, कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यानी कि mvr
ठीक है, एन एच अपॉन टू पाई मतलब एन एच अपॉन टू पाई की मल्टीपल इंटीग्रल होगा, यानी कि एन की वैल्यू आप वन रखेंगे या फिर एन की वैल्यू यहां पर टू, या फिर एन की वैल्यू होगी थ्री, या फिर एन की वैल्यू क्या होगी फोर होगी, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे हम टेबल पढ़ते हैं ना, तो इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई करते जाएंगे, या तो वन या तो टू या थ्री या फोर या फाइव, इस तरीके से ये इसकी वैल्यू चेंज होती जाती है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम में कि एम वी आर, इन्होंने बताया सर्कुलर के लिए कि अगर एटम सर्कुलर है, ऑर्बिट अगर सर्कुलर है, तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन टू पाई के मल्टीपल इंटीग्रल होगा। लेकिन सोमरफिल्ड ने एक और नई बात बताई, इन्होंने अब के एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसके बारे में इन्होंने बताया था, उसको लेकर के इन्होंने बताया कि यदि एटम का, यदि ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर ना होकर के यदि ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है, तो उस दौरान एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का जो होगा वो के एच अपॉन टू पाई के मल्टीपल इंटीग्रल होगा। इन्होंने अपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन को लेकर के बताया था कि एन एच अपॉन टू पाई के मल्टीपल इंटीग्रल होगा, इन्होंने के को लेकर के बताया कि के एच अपॉन टू पाई के मल्टीपल इंटीग्रल होगा, ठीक है। लेकिन ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है जिसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाद में इसी एजीमुथल क्वांटम नंबर को बाद में थोड़ा और स्टडी के बाद इस के को एल से रिप्रेजेंट किया गया, इस के को एल से रिप्रेजेंट किया गया एजीमुथल क्वांटम नंबर को, और जिसकी वैल्यू जीरो से बताई गई है, जीरो वन टू थ्री इस तरीके से एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू बताई गई है, जिसके बारे में हम क्वांटम नंबर में डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहां पर एल की वैल्यू जीरो वन टू थ्री जो है, ये जीरो जो इसकी वैल्यू है ये एस को रिप्रेजेंट करता है, वन वैल्यू यानी कि ये पी को, और टू वैल्यू जो है ये डी को रिप्रेजेंट करता है, और थ्री वैल्यू जो है ये एफ को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से ये सबसेल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये सेल, सबसेल और ऑर्बिटल, ये मैंने आपको बताया कि ये सबसेल है, तो सेल, सबसेल और ऑर्बिटल का अब हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर हम बोर की बात करें तो अब हम फोर पॉइंट स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। बोर की हम बात करें तो इन्होंने क्या बताया था कि ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर इस तरीके से सर्कुलर, ठीक है ना, इस तरीके से क्या होते हैं ये सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट के अंदर मूव करते रहते हैं, ठीक है ना, वो रोटेट करते रहते हैं, और रोटेट कैसे करते हैं, स्पिन करते हुए रोटेट करते हैं, ठीक है, यानी कि अपनी जगह पर ऐसे घूमते हुए, अपनी जगह पर घूमते हुए, और ये पूरे न्यूक्लियस का चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो ये बात किसने बताई थी, बोर ने बताई थी। अब इसमें चेंजेस क्या किया सोमरफिल्ड ने, देखिए बहुत अच्छा है और काफी इन्होंने अच्छी बात बताई है। अब इन्होंने क्या बताया कि अगर आप इसको कह रहे हैं न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस के बाहर, ये हमारा फर्स्ट सेल है, ये हमारा सेकंड सेल है। सेल के बारे में, सेल के बारे में किसने बताया था हमको, ये बोर ने बताया था, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सेल हो गया जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा सेकंड सेल है जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा थर्ड सेल होगा, थर्ड सेल जिसको हम के एल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, के एल एम एक और ले लेते हैं, ये एन, ठीक है ना। अब यहां के में, के को हम, ये फर्स्ट हमारा सेल है, इसको हम टू, इसको थ्री और इसको फोर, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इन ऑर्बिट में, इसको हम क्या नाम देंगे, ऑर्बिट, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, शेल, कि इस ऑर्बिट या सेल में इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है, ठीक है। अब सोमरफिल्ड ने इसमें क्या चेंजेस किया, सोमरफिल्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में सेल के अंदर नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स का जो घर होता है वो होता है ऑर्बिटल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिटल में रहते हैं, लेकिन यहां इस मॉडल में अभी हम ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट न पढ़ करके अभी हम सबसेल तक पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या बताया कि सेल के अंदर सबसेल होता है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, और इलेक्ट्रॉन्स का जो मेन घर होता है, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, वो जहां क्या होता है, ऑर्बिटल, ठीक है। तो देखिए इन्होंने बताया कि जैसे अब मेरे से एड्रेस पूछा जाए, ठीक है, कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं क्या कहती हूँ कि मैं जो है राजस्थान में रहती हूँ, ठीक है। तो राजस्थान तो बहुत बड़ा एरिया है, राजस्थान में आप कहाँ रहते हो, अगर कोई आपको ढूंढने जाए तो भाई राजस्थान तो बहुत बड़ा है ना, उसमें कहाँ ढूंढेंगे, आपका एक परफेक्ट एड्रेस तो होना चाहिए। तो सेम वही बात हुई इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन से पूछा गया कि आप कहाँ रहते हो, तो इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि हम सेल में रहते हैं, सेल तो बहुत बड़ा है, ठीक है ना, सेल में हम आपको इलेक्ट्रॉन को कहाँ ढूंढेंगे, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन जहाँ इलेक्ट्रॉन मिले। तो मुझसे कहा गया कि आप राजस्थान में कहाँ रहते हो, मैंने कहा कि राजस्थान में, ये अजमेर है, अजमेर में रहते हैं, ठीक है, अजमेर भी बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है ना, अजमेर में आप कहाँ रहते हो, मैंने बोला, आपने घर का एड्रेस दिया कि ये हमारा घर है,
ठीक है ना, और मैं इस पते पर यहां पर मिल जाऊंगी, ठीक है। तो यानी कि ये मेरा क्या हो गया, एग्जैक्ट मेरा लोकेशन हो गया, ठीक है ना, एग्जैक्ट पोजीशन हो गया कि मैं यहां पर मिल जाऊंगी, यानी कि ये राजस्थान, राजस्थान में अजमेर, अजमेर में फिर ये मेरा एड्रेस जहां मैं रहती हूं। उसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है ये सेल के अंदर सबसेल होता है, सेल बहुत बड़ा एरिया, उसके अंदर छोटा सा एरिया जिसको सबसेल कहेंगे, सबसेल के अंदर एक छोटा सा एरिया जिसको ऑर्बिटल कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, इस ऑर्बिटल में रहता है, ठीक है। तो हम सेल, सबसेल और ऑर्बिटल, एक बार इनको मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब हम इसको कैसे बताएंगे, जैसे हमने ये ले लिया हमारा के क्या है, के एल एम एन है ना, ये क्या है, सेल है। ये बात तो बोर्ड ने बताई थी, इन्होंने भी ये ले लिया कि भाई अगर हम सेल की बात करें तो ठीक है, हमारा फर्स्ट वाला सेल क्या है के, सेकेंड वाला सेल क्या है एल, और थर्ड वाला सेल क्या है हमारा एम, और फोर्थ वाला सेल क्या है एन, ठीक है, के एल एम एन, ये सेल। सेल के अंदर कौन रहता है, सबसेल, अभी अभी बताया इन्होंने, किसने बताया, सोमरफेल्ड ने, अभी हमने स्टडी किया। तो इसके अंदर रहता है सब सेल, ठीक है, सेल के अंदर सब सेल, यानी कि ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, ठीक है ना। ऑर्बिट अगर हम कहते हैं, यहाँ पे ऑर्बिट लिखते हैं तो यहाँ सब ऑर्बिट लिखेंगे, यहाँ हमने अगर सेल लिखा तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सब सेल लिखेंगे। तो सेल के अंदर सब सेल, तो के जो सेल होता है इसमें एक सब सेल होता है जिसको हम बोलते हैं एस, ठीक है। जो एल हमारा सेल होता है उसमें दो सब सेल होते हैं, एक होता है एस और दूसरा होता है पी। जो एम होता है इसमें तीन होते हैं, एक होता है एस, एक होता है पी और एक होता है डी। जो हमारा फोर्थ वाला है इसमें एक एस, एक पी और एक डी और एक एफ, ठीक है। तो ये सेल हो गया, सेल के अंदर इस तरीके से होते हैं सब सेल। अब सब सेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, ऑर्बिटल में। जैसे हम एस की बात करें तो ऑर्बिटल को हम इस तरीके से रेक्टेंगुलर बॉक्स से दिखाते हैं, और इसमें एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक इस तरीके से क्लॉकवाइज मूव करता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ये सब हम आगे देखेंगे। तो सेल के अंदर ये हो गया सब सेल, ठीक है ना। फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाला हमारा ये हो गया सेल के, और इसमें हमारा एक सब सेल है, इसको हम बोलेंगे 1s। सेकेंड वाला जो हमारा ये है, इसमें हमारे दो सब सेल है, ये हो गया 2s और 2p। थर्ड वाले में 3s, 3p, 3d। फोर वाले में 4s, 4p, 4d और 4f। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो, उनको हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन्स सेल में रहते हैं, ये कहना गलत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर सबसेल में रहते हैं ये कहना ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का इन्होंने पोजीशन बताया कि सेल के अंदर सबसेल होता है जहाँ की इलेक्ट्रॉन रहता है, ये बात हमको किसने बताया, सोमरफेल्ड ने बताया। अब इसमें हमने देखा है अभी कि के में 1s होता है, एल में 2s, 2p, यहाँ 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, ठीक है। ये हमारे क्या है, सबसेल है, SPDF। S का फुल फॉर्म होता है शार्प, P का होता है प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज्ड और F फॉर होता है फंडामेंटल, ठीक है। और मैंने आपको बताया क्या कि एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होता है इसकी वैल्यू 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हो सकती है। S क्या करता है, इसमें से S जो है जी, अगर L की वैल्यू 0 है इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन S सबसेल में है, यदि L की वैल्यू 1 है इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन P सबसेल में है, L की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन D सबसेल में है, L की वैल्यू यदि 3 है तो इलेक्ट्रॉन F सबसेल में है, ठीक है। तो इस तरीके से एजिमुथल क्वांटम नंबर का सबसेल के साथ क्या रिलेशन है, एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होता है ये हमको सबसेल के बारे में बताता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में है इस समय, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे पास एक और ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम ये पता करेंगे कि अगर हमको n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू पता हो और एजिमुथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू हमको पता हो, अगर हमको n और l, n किसने दिया था, हमको बोर ने बताया था, और l के बारे में हमको किसने बताया, सोमरफेल्ड ने बताया। तो यदि हमारे पास n और l दोनों की वैल्यू रहती है तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा एटम कब सर्कुलर होगा, इसका ऑर्बिट, ऑर्बिट का जो शेप होगा वो कब सर्कुलर होगा और कब इलिप्टिकल होगा। यहां पर मैंने कुछ कंडीशन ये बना रखे हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, हमारा फॉर्मूला क्या है, b अपॉन a इज इक्वल टू l प्लस 1 अपॉन n, ठीक है। b यहां पर हम b से किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेजर एक्सेस को, और a से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनर एक्सेस को, ठीक है। तो b अपॉन a इज इक्वल टू l प्लस 1 अपॉन n, L हो गया हमारा प्रिंसिपल एजिमुथल क्वांटम नंबर और N क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इस फॉर्मूले में यदि हमको दिया हो कि N इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, N इज इक्वल टू 1 यानी कि क्या बात कर रहा है, N इज इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट सेल की बात कर रहा है कि ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर यदि हमने पहला सेल ले लिया है तो N इज इक्वल टू क्या होगा, 1, ठीक है ना। फर्स्ट वाला सेल है तो N इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमने N इज इक्वल टू यहाँ पर ले लिया, N इज इक्वल टू 1 यानी कि K की बात कर रहा है।
तो उसमें L इज इक्वल टू क्या होगा, L इज इक्वल टू क्या होगा, ये S है तो L इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो हमने N इज इक्वल टू वन तो L इज इक्वल टू क्या ले लिया, जीरो। अब इन दोनों वैल्यू को अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमको पता पड़ जाएगा कि जो हमारा ऑर्बिट होगा वो ऑर्बिट सर्कुलर होगा या फिर इलिप्टिकल होगा। B अपॉन A इज इक्वल टू L के जहां पर हमने क्या रखा, जीरो, और जीरो प्लस वन, ठीक है, और N के जहां पर हमने क्या रखा, वन। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, B अपॉन A इज इक्वल टू वन प्लस वन, यानी कि मेजर एक्सेस और माइनस एक्सेस दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल। इट मीन्स कि दोनों लाइन क्या होंगी, बराबर होंगी, यानी कि जो सेप होगा वो कैसा होगा ऑर्बिट का, सेप सर्कुलर, ठीक है। कंडीशन नंबर टू, यदि हमने ले लिया कि n इज इक्वल टू टू, n इज इक्वल टू हम टू लेते हैं तो इसमें हमको l की दो वैल्यू मिलेगी, एक तो s और एक p, ठीक है। तो n इज इक्वल टू टू तो l की वैल्यू हमको मिलती है जीरो और वन, ठीक है। तो हम दोनों कंडीशन लेके चलते हैं, यदि हमने n की वैल्यू और l की एक वैल्यू को अगर हमने फॉर्मूले में पुट किया तो b अपॉन a इज इक्वल टू, यहां पर हमने पहले ले लिया l की वैल्यू जीरो, पहले हमने जीरो ले लिया तो यहां हमने रख दिया जीरो प्लस वन अपॉन टू, और फिर दूसरे कंडीशन में हमने इसी फॉर्मूले में ले लिया एल की सेकेंड वैल्यू, सेकेंड वैल्यू वन लिया और यहां पर एन इज इक्वल टू एन इज इतना वन प्लस वन अपॉन एन की वैल्यू हमने क्या ले लिया, टू, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या देखने को मिल रहा है कि बी और ए का रेशियो क्या आता है, वन अपॉन टू। इट मीन्स कि दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इस सिचुएशन में यहां ये सेप कैसा होगा, ये सेप होगा हमारा इलिप्टिकल, ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना। बी और ए मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस क्या है, दोनों डिफरेंट है। इट मीन्स कि यहां पर सेप क्या होगा, इलिप्टिकल, ये इलिप्टिकल सेप होगा। और यहां पर देखिए, यहां पर हमारा टू और टू दोनों इक्वल हो गया, यानी कि यहां पर सेप क्या होगा, सर्कुलर, ठीक है। तो हमारा ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर में एक हमने ऑर्बिट बनाया सर्कुलर और दूसरा हमने क्या बनाया, इलिप्टिकल, ठीक है ना, कुछ ऐसा कंडीशन होगा। अब अगर हम बात करते हैं एन इज इक्वल टू थ्री, हमने यहां पर ले लिया एन इज इक्वल टू थ्री, n इज इक्वल टू थ्री। अब इसमें हम देखते रहे हैं s p d, यानी कि l की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी, जीरो वन टू। तो n इज इक्वल टू थ्री, l इज इक्वल टू जीरो वन टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यू को, l की तीनों वैल्यू को बराबर बारी बारी से रख करके फॉर्मूले में देखते हैं। अगर हमने l की फर्स्ट वैल्यू रखा यहां पर तो हमको क्या मिलता है, b अपॉन a का रेशियो मिलता है वन अपॉन टू, ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहां पर सेप क्या होगा, इलिप्टिकल। अगर हम यहां पर इसकी हम फर्स्ट वैल्यू रखते हैं, सेकंड ये वन रखते हैं, तो हमको यहां पर क्या मिलता है, वैल्यू सेम मिलता है, यानी कि ये क्या होगा, सर्कुलर। फिर अगर हम यहां देखते हैं, ये वाली वैल्यू हमने रखी है एल की, तो टू प्लस वन अपॉन टू, यहां पर वापस वैल्यू क्या हो गया, डिफरेंट, यानी कि ये भी हमको क्या मिलेगा, इलिप्टिकल। यानी कि न्यूक्लियस के बाहर में एक तो सर्कुलर मिलेगा ऑर्बिट हमको, और दो ऑर्बिट कैसे मिलेंगे, इलिप्टिकल। अब अगर हमने थर्ड एग्जाम्पल ले लिया एन इज इक्वल टू फोर, हमने यहां पर n इज इक्वल टू फोर ले लिया तो l की वैल्यू कितनी होगी, जीरो वन टू थ्री, ठीक है। ये हमारे पास चार l की वैल्यू मिलेगी, तो l की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जीरो वन टू थ्री, ठीक है। तीनों चारों वैल्यू को हमने बारी बारी से रख करके फॉर्मूले में देखा, तो b अपॉन a यहां पर हमको रेशियो क्या मिलता है, वन अपॉन टू, यानी कि इक्वल नहीं है, मतलब ये क्या होगा, यहां पर सेप जो होगा वो कैसा होगा, यहां पर इलिप्टिकल, ठीक है। यहां देखिए सेम है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर। यहां ये क्या हो जाएगा, इलिप्टिकल। यहां पर भी क्या हो जाएगा, इलिप्टिकल। लेकिन इलिप्टिकल तो है कहीं, इलिप्टिकल अगर हमको दोनों लाइन में डिफरेंस ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना, एक लाइन काफी बड़ी, दूसरी लाइन बहुत छोटी, तो वहां पर क्या होता जाएगा, और ज्यादा इलिप्टिकल होता जाएगा, ठीक है। जैसे हम यहां देख रहे हैं, तो यहां पर हमको क्या मिलता है, यहां पर फोर अपॉन टू, यानी कि टू यहां पर, ठीक है ना, फोर अपॉन टू का रेशियो मिल रहा है, और यहां पर देखिए आप थ्री अपॉन टू का रेशियो मिल रहा है। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के अगर हम रेशियो देखते हैं तो वो क्या आ रहा है, अगर डिफरेंस बढ़ेगा तो इट मीन्स कि ये बहुत ज्यादा इलिप्टिकल होता जाएगा। अगर अगर वैल्यू सेम आती है, इट मीन्स सेप क्या होगा, यहां पर सर्कुलर होगा। अब हम सोमरफेल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। उन्हीं सारी बातों को लेकर के जितना अभी तक हमने स्टडी किया, उन्हीं बातों को लेकर के इन्होंने एक बहुत बड़ा, काफी ये महत्वपूर्ण, इन्होंने ये एक एक्सप्लेनेशन दिया है, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम। अब हम अगर बात करते हैं बोर की, ठीक है, सबसे पहले हमको बोर का मॉडल देखना पड़ेगा, उसके कंपैरिजन हम करेंगे सोमरफेल्ड के मॉडल में, और तब हमको समझ में आएगा कि इन्होंने क्या स्पेक्ट्रम बताया, फाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। देखिए, अब बोर के मॉडल की हम बात करें तो बोर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं
वो इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं तो ये इनका ऑर्बिट क्या होता है, फिक्स एनर्जी लेवल होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना भी टाइम तक अगर अपने फिक्स एनर्जी लेवल में मूव करता है तो इसकी एनर्जी में कोई कमी नहीं आएगी, यानी कि ये आराम से यहाँ पर मूव कर सकता है। रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को दूर किया था बोर ने अपने इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या बताया कि यदि ये इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यदि कम हो जाती है या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ जाती है, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहे हैं इनकी एनर्जी यदि ज़्यादा हो जाए, कहीं से इनको एनर्जी मिल जाए, या फिर इनकी एनर्जी अगर लॉस हो जाती है तो ये अपने ऑर्बिट को चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ सपोज करते हैं हम कि फर्स्ट वाला जो हमारा सेल है, एक ऐसे ही हमने नंबर ले लिया कि इसमें ये जो हमारा फर्स्ट सेल है इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसकी एनर्जी 2 होनी चाहिए, जो हमारा सेकेंड सेल है इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा इसकी एनर्जी 4 होनी चाहिए और इसकी एनर्जी 6 होनी चाहिए, ठीक है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ मूव कर रहा है, यदि इसकी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है, इसकी एनर्जी अभी कितनी है, 6 है, यदि इसकी एनर्जी, इसने अपनी 4 एनर्जी को अगर लॉस कर देता है तो इसके पास कितनी एनर्जी बचेगी, 2 बचेगी, और ये 2 एनर्जी जब इसके पास होगी तो फिर ये इस वाले में, थर्ड वाले में मूव नहीं कर पाएगा। अब इसको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, अपना पोजिशन चेंज करना पड़ेगा, और ये अपना पोजिशन चेंज करके कहाँ जाएगा, 2 वाले में जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, और इसने क्या किया, अपनी 4 एनर्जी की इलेक्ट्रॉन, 4 एनर्जी जो है उसको क्या किया, इमिट कर दिया। जो एनर्जी इमिट करता है वो स्पेक्ट्रम के फॉर्म में बाहर आती है, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी को ये इमिट करता है जो कि यहाँ से स्पेक्ट्रम के फॉर्म में बाहर आती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था, बोर ने क्या बताया था इसमें कि यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है या यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहा है, तो देखिए इस हमने क्या बात किया कि थर्ड से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, फर्स्ट में जा रहा है। अब उस चीज़ को मैं यहाँ दिखाती हूँ, ये थर्ड से इलेक्ट्रॉन कहाँ आया, फर्स्ट में आया। तो इनको जो यहाँ से रेज निकलती हुई, जो यहाँ पर एनर्जी ये निकल रहा है, जो स्पेक्ट्रम निकल रहा है, ये स्पेक्ट्रम जो इनको दिखाई दिया ना, वो सेम एनर्जी का, सेम वेवलेंथ का इनको एक लाइन दिखाई दिया, ठीक है। सोमरफे बोर को यहाँ इन्होंने बताया कि एक एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी रिलीज करता है यहाँ से यहाँ जाता है, तो और जो एनर्जी रिलीज करता है तो यहाँ पर इनको उस एनर्जी का बोर को एक लाइन दिखाई दिया कि ये सेम स्पेक्ट्रम का, जो स्पेक्ट्रम है ये, इसकी वेवलेंथ और इसकी एनर्जी सेम है, सेम एनर्जी और सेम वेवलेंथ की इनको एक लाइन यहाँ से दिखाई दी कि वो यहाँ से इमिट करेगा, ये चीज़ इनको दिखाई दिया, ठीक है। इन्होंने बताया कि जब सेकेंड से फर्स्ट में जाता है तो भी यहाँ पर इनको एक लाइन दिखाई देता है कि सेकेंड से फर्स्ट में जा रहा है, फिर ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, जो एनर्जी रिलीज कर रहा है उसमें सिर्फ एक ही सेम एनर्जी के, मतलब सेम एनर्जी का स्पेक्ट्रम है ये, और सेम वेवलेंथ का इनको यहाँ पर रेज दिखाई दिया बोर को। अब इसी चीज़ को हम सोमरफेल्ड में समझते हैं। सोमरफेल्ड ने क्या कहा कि इन्होंने जब काफ़ी पावरफुल, जब इन्होंने माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया तो इनको क्या दिखाई देता है कि जब यही सेम कॉन्सेप्ट कि ये इलेक्ट्रॉन थर्ड से किस में जा रहा है, फर्स्ट में, थर्ड से जब फर्स्ट में जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इनको एक लाइन की जगह पे, जो इनको एक लाइन दिखाई दिया था, ये सोमरफेल्ड को इसमें 3 लाइन दिखाई दी, ठीक है, 3 लाइन, और तीनों लाइन की एनर्जी जो स्पेक्ट्रम इनको दिखाई दिया ना, उसमें इनको 3 लाइन दिखाई दिया, ठीक है, मतलब 3 तरह के इसमें इनको स्पेक्ट्रम में ये 3 तरह के ये रेज दिखाई दिए, जिसमें जिनकी एनर्जी और वेवलेंथ स्लाइटली डिफरेंस थे, लगभग समान थे, तीनों के लगभग समान थे, लेकिन ये एक नहीं था, इनको एक लाइन दिखाई दे रहा है, इनको इसमें 3 लाइन दिखाई दे रहा है। ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल अलग अलग, अगर आप इसको बारीकी से ध्यान से देखते हैं तो ये एक लाइन नहीं है, बल्कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंट का यहाँ पे अलग अलग वेवलेंथ की और अलग अलग एनर्जी की यहाँ पर 3 लाइन है। तो इसको अगर आप डिटेल में देखते हैं तो इसमें आपको 3 लाइन दिखाई देता है, ठीक है। और जैसा कि सेकेंड से फर्स्ट में गया तो इनको एक लाइन दिखाई दिया बोर को, यही चीज़ सोमरफेल्ड को सेकेंड से जब ये फर्स्ट में जा रहा है तब भी इनको यहाँ पर 2 लाइन, जो इनको एक लाइन दिखाई दिया वो इनको 2 लाइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हम फोर्थ की भी बात कर लें कि फोर्थ से और फर्स्ट में जा रहा है तो भी इनको बोर को एक लाइन दिखाई दिया, ठीक है। और यहाँ हम अगर बात करेंगे फोर से
यहां हमने ये फोर ले लिया, फोर से अगर फर्स्ट में जाता है तो बोर को यहां पर यहां से यहां से यहां से यहां से यानी कि सोमरफेल्ड को, सॉरी सोमरफेल्ड को यहां पर कितनी लाइन दिखाई दिए, चार लाइन दिखाई दिए, जिनकी जो बहुत ही मतलब इनकी एनर्जी लेवल में और इनके वेवलेंथ में स्लाइटली डिफरेंस था, बहुत कम, लगभग एक जैसे ही थे। ठीक है, अब ये चेंजेस इनको जो दिखाई दिए है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसका एक्सप्लेनेशन है, ये उस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि मुझे तीन लाइन क्यों दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पर चार लाइन क्यों दिखाई दे रहा है, दो लाइन क्यों दिखाई दे रहा है, और वही चीज बोर को यहाँ पर एक ही लाइन क्यों दिखाई दे रहा था। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट यही है जो अभी हमने स्टडी किया, सेल और सबसेल वाली बात। ठीक है, सेल और सबसेल वाले कॉन्सेप्ट से ही हम देखेंगे इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेल में घूमता है। इन्होंने क्या बोला कि सेल के अंदर सबसेल होते हैं, इसी एटम को अगर मैंने सोमरफेल्ड के अकॉर्डिंग बनाया तो ऐसा कुछ बनेगा, ये न्यूक्लियस, ये हमारा फर्स्ट सेल है। ठीक है ना, फर्स्ट सेल में केवल एक सबसेल है एस, सेकेंड वाले में दो सबसेल है एस और पी, थर्ड वाले में तीन सबसेल है एस पी डी, अगर फोर्थ की बात करें तो उसमें चार होंगे एस पी डी और एफ। ठीक है, तो सेल और सबसेल के कॉन्सेप्ट से इन्होंने इस बात को समझाया। ये कहते हैं कि यदि थर्ड वाले से फर्स्ट वाले में जाता है तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन उस समय एस में रहा हो, एस से हो करके और इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, फर्स्ट वाले में, तो जो इलेक्ट्रॉन एस में होगा उसकी एनर्जी जो वो जो स्पेक्ट्रम इमिट करेगा उसकी एनर्जी और उसका वेवलेंथ क्या होगा, डिफरेंट होगा। जो इलेक्ट्रॉन पी से इसमें जाएगा, इलेक्ट्रॉन एस से भी इसमें जा सकता है, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन पी में हो, पी से इसने यहां जंप किया हो, या वो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन डी में हो, डी से ये जंप करके और फर्स्ट में गया हो। ठीक है, तो अगर यहां पर इनका सबसेल डिफरेंट है तो उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो वो इमिट करेंगे एनर्जी, वो एनर्जी उसकी उस स्पेक्ट्रम की एनर्जी और वेवलेंथ भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जो चीज इन तीनों को मिला करके इनको एक दिखाई देता था, ठीक है, ये कह रहे थे कि ये तीन तीन सबसेल, तो इनको पता नहीं था सबसेल के बारे में, इन्होंने बताया नहीं था, इन्होंने बोले ये सबसेल नहीं बल्कि केवल एक, इन्होंने एक की बात की, तो यहां से इनको एक लाइन दिखाई दे रहा था, इन्होंने इसके अंदर और झांक के देखा तो इनको तीन तीन दिखाई दिया, तो इस तरीके से लाइनें भी इनको कितनी दिखाई देंगी, थ्री लाइंस दिखाई देंगी। उसी तरीके से सेकंड से फर्स्ट में इनको एक लाइन दिखाई दे रहा था, और यहां हम अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड सेल के अंदर दो सबसेल हैं, तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन एस से आया हो, या ये भी हो सकता है पॉसिबल कि इलेक्ट्रॉन पी से आया हो, इस वजह से यहां पर इनको दो लाइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए इस लाइन स्ट्रक्चर से हम देखेंगे, लाइन स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं यहां से यहां एक लाइन, यहां से यहां एक लाइन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बोर, अगर अकॉर्डिंग टू सोमरफेल्ड देखें तो एस से अगर आता है इसमें, ठीक है ना, फर्स्ट वाले में तो एक लाइन, और पी से आता है तो एक लाइन। ठीक है, और अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो सेकंड वाले में, सॉरी थर्ड वाले की बात करें तो एस पी डी, एस से आया या पी से आया या फिर डी से आया। अगर आप आगे भी देखें फोर्थ वाले में अगर हम देखते हैं तो एक बार अगर हम फोर्थ की बात करते हैं तो यहां पर क्या होगा, एस होगा, पी होगा, डी होगा और एफ होगा, यानी कि एक बार इसमें से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा, यहां से जाएगा और यहां से जाएगा, तो यहां पर हमको लाइन कितने दिखाई देंगे, चार लाइन हमको यहां पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो जो इनको एक लाइन दिखाई देता था बोर को, ठीक है, क्यों एक लाइन दिखाई देता था, क्योंकि इन्होंने सेल ऑर्बिट का ही कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने चूंकि सबसेल या सब ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया इसलिए इनको एक लाइन की जगह पर यहां इनको दो लाइन, यहां तीन लाइन, यहां चार लाइन इनको इस तरीके से मिल रहा है। तो इस चीज का अगर हम किसी एक रेज का अगर और अच्छी तरह से स्टडी करते हैं, उसमें से हमको और बारीकियां कुछ ढूंढ करके निकालते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हम उसका फाइन स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सोमरफेल्ड ने स्पेक्ट्रम का फाइन स्ट्रक्चर बताया, मतलब एकदम एग्जैक्ट चीजें बताई इन्होंने, काफी पावरफुल लेंस से जब इन्होंने देखा ना तो उसके अंदर अंदर की चीजें, उनको क्या जो डिफरेंस, स्लाइटली डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है ना उसके बारे में इन्होंने बताया, तो हम कहते हैं कि इन्होंने स्पेक्ट्रम, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है ना, कि स्पेक्ट्रम में का फाइन स्ट्रक्चर जो बोर नहीं बता पाए थे वो सोमरफेल्ड ने हमको बताया। तो इस तरीके से हमने सोमरफेल्ड मॉडल में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है सारी बातें। हमने क्या क्या देखा, ऑर्बिट के शेप के बारे में हमने देखा, एंगुलर मोमेंटम हमने देखा कि सोमरफेल्ड ने क्या बताया है हमारे इलिप्टिकल के लिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में स्टडी किया, सेल सबसेल ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल के बारे में और अभी हम स्टडी करेंगे आगे, और सबसे इंपॉर्टेंट फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम इसके बारे में हमने स्टडी किया। तो ये हो गया हमारा सोमरफेल्ड मॉडल, एकदम कंप्लीटली आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
और इसको हम इन्हीं इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर इनको हम लिखेंगे, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इस तरीके से हम सोमरफेल्ड मॉडल को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा क्वांटम नंबर, ठीक है? तो स्टडी करते रहिए। ओके, थैंक यू।